हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ, जिसे आप अपनी कुर्ती पर, अपने सूट पर, किसी पर भी बना सकते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4.5 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। तो ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ और इसके बाद एक निशान हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं या आपको लगता है कि 7.5 इंच का गला बड़ा हो जाएगा तो इसको आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल इसको यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, हल्का सा इधर रखेंगे और इसको ये शेप देंगे। इसके बाद हम नीचे से करीब 1 इंच छोड़कर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी एक लाइन खींच देंगे। उस लाइन को हमें इसमें मिलाना है। इसके बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच पर या उससे थोड़ा सा कम पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से देखिए, ये हमें बिल्कुल बारीक सी एक पट्टी काटनी है और ये बारीक सी पट्टी देखिए हमें इस निशान तक काटनी है। और इसके बाद हम दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से बुकरम रखिए और अपनी कुर्ती के कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और उसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। लेकिन जब भी आप इसको पेस्ट करें या इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो आप ये बीच की दूरी नाप लें। ये हमारी 6 इंच होनी चाहिए क्योंकि डबल करके हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है। तो आप इस तरह से पहले निशान लगा लें और इन निशानों के ऊपर रख के तब इसको पेस्ट करें। इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से हम चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद देखिए, जहाँ पर ये थोड़ी सी गहराई है वहाँ पर हम इस तरह से दोनों साइड कट लगा देंगे ताकि ये अंदर को आसानी से मुड़ जाए। और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं। और बीच में एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में एक निशान लगाते हैं और बीच में एक कट लगाते हैं। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और देखिए, ये लाइन और नीचे वाली लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए और हमारी ये जो बीच में जगह है ये बिल्कुल इस लाइन के बीच में आनी चाहिए। और जब भी आप इसको पेस्ट करें तो ये इतनी जगह हमारी ज़रूर बचनी चाहिए कटिंग के लिए और सिलाई के लिए। और इसके बाद हम यहाँ से और यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब भी हम ये सिलाई लगाएंगे हमें इसका ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बीच में आनी चाहिए ये लाइन।
तब हम ये सिलाई बनाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम ऊपर के हिस्से की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बीच में इस तरह से कट लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर के हिस्से में बीच बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपने गले को इस तरह से पलट लेते हैं और पलटने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हम पोटली बटन बनाएंगे और इसमें आप थर्मोकोल की गोली भी भर सकते हैं और कपड़े की छोटी छोटी कटिंग भी भर सकते हैं। आप इस तरह से फोल्ड करिए और ऐसे उसका रोल सा बनाइए। और इसको इस तरह से कपड़े के अंदर रखिए। सुई में डबल धागा लेते हैं और एक दो बार इस तरह से निकालते हैं और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा नीचे तक हम इसको लपेट देते हैं और यहाँ से इसको पक्का करके काट देते हैं। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है, देखिए मेरी तो राय यही है कि आप हाथ से पहले ये पोटली बटन जितनी दूरी पर आपको लगाने हैं उतनी दूरी पर पहले हाथ से आप लगा लें, तो इससे आपको लगाने में सुविधा भी रहेगी और आपके नेक में बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। तो आप पहले हाथ से इनको इस तरह से लगा लें। और फिर बाद में सिलाई लगाने के बाद हम इस कच्चे को उधेड़ देंगे। इस तरह से आप नीचे तक इनको लगाते जाइए। देखिए हमें इस तरह से ये बटन लगाने हैं और इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है और यहाँ तक इस तरह से लगाते हुए इस साइड भी यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। और देखिए इनको हमें इस तरह से सीधे करते रहना है। यहाँ तक नेक बनाने के बाद हम एक पट्टी लेते हैं और देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और इसको मैंने देखिए ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है। और इसके बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं और हमारा ये जो निशान है हम इसको इस निशान पर इस तरह से रखते हैं और पहले हम यहाँ से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। एक साइड में यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से पलटते हैं और इसको हम देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई देखिए हमें यहाँ तक लगानी है, इसको थोड़ा सा डबल करके छोड़ देना है। इस तरह से ये हमारा फाइनल गला है। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।